फ्रेंड्स सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जू 24 में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्री डिलीवरी एग्जामिनेशन 2022 की ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स 2022 बीएससी का जो ऑफिशियल लिंक है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो आज से एक्टिवेट हो चुका है और आज से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर दे सकते हैं 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही उपलब्ध करवा दी है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट दोनों की डिटेल्स मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से इनकी जानकारी ले सकते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल्स फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स की जानकारी मैंने पहले से उपलब्ध करवा दी है। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना है आवेदन करने से पहले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपको अपने मोबाइल से बीएससी 2022 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनना है और इसके आपके साथ आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। यहाँ फ्रेंड्स प्रिंट तक का प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है पेमेंट कैसे करना है, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 450 रुपये साथ में यहाँ पर 500 रुपये दोनों फीस आपको यहाँ पर पे करनी होती है, दोनों में से एक जो भी आपके लिए लगती है, तो उसका प्रोसेस भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स ऑनलाइन पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो भी आपको मोबाइल से करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में जो भी कैंडिडेट पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको बीएससी से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स जब तक बीएससी का जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक का प्रोसेस में आपको यहाँ पर जो भी गाइडलाइन होती है वो आपके लिए वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट से हर एक प्रकार की हेल्प आपको हो सकेगी। कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म कैसे बनना है, फॉर्म भरने के आपके लिए आपको यहाँ पर फ्री डिलीवरी 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो बिल्कुल नया प्रोसेस है, आपको वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आवेदन करना है, क्योंकि पिछली बार का जो प्रोसेस है वो नहीं रहा है, अब दोबारा आपको नया प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो आपकी कोई गलती ना हो इसलिए आपको यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आवेदन करें। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आ जाना है, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो भी ये डिटेल्स आपको इंटर करना है। 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करेंगे। ध्यान रखना कि एक बार की डिटेल्स भरने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सही से देखकर आपको इंटर करना है, कोई भी गलत जानकारी गलत नहीं बनना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को, तो फिर इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे आपको यहाँ पर जो ईयर्स हैं अपना ईयर्स आपको आपके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो दिन है आपको महीना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप डे है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो भी जेंडर है यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके फादर्स का नेम आपको यहाँ प्रिंट करना है, मदर्स नेम यहाँ पर लिखना है, ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपको पासवर्ड है पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, पासवर्ड को बनाकर दोबारा यहाँ पर इंटर करना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, तो फ्रेंड्स पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पासवर्ड कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला अक्षर आपको यहाँ पर बड़ा लिखना होगा, इसके बाद छोटे अक्षर आपको यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी के, कितने लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नंबरिंग दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एट द रेट आपको यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर इसकी जगह आपको यहाँ पर हेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है, इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है। ठीक, इस तरह से यहाँ पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे। पासवर्ड को यहाँ पर लिखने के बाद दोबारा यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कोड आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो कैप्चर कोड दिखा रहा है, ये कैप्चर कोड बार बार यहाँ पर चेंज होता रहता है, जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी कन्फर्मेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, आपको इसको अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना है। कोई भी चेंजेज हैं गलती आती हैं तो आप इसको यहाँ पर चेंज का ऑप्शन दिखा दें, यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर न्यू पेज आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चाहो तो अपने पासवर्ड को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स एक्टिवेट योर अकाउंट, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन आपको कन्फर्मेशन करना होगा ईमेल आईडी के थ्रू, जो कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया गया है लॉगिन डिटेल्स का, और ओपन ईमेल आईडी आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करना है और एक्टिवेशन लिंक के माध्यम से आपको वो ओपन करना होगा। ठीक है, तो एक्टिवेट योर अकाउंट के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद एक्टिवेशन कोड आपका ओटीपी यहाँ पर सेंड किया गया है आपके मोबाइल नंबर पर, वो आपको इंटर करना है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो मेरी डिटेल्स इंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो मोबाइल नंबर है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है, या फिर आपको आपने जो अभी पासवर्ड बनाया था, मैंने आपको बताया था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको वेरिफिकेशन लिंक बताया था, तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से एक का ओटीपी आपको डालकर वेरिफिकेशन कर लेना है, तो मैंने मोबाइल से कर लिया है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जो कि आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो आपको यहाँ पर तीन प्रोसेस देखने को मिलेगा। सबसे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि इस तरह का रहने वाला है, फिर फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, मेक पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है माई एप्लीकेशन, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाएगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं। इसमें सेलेक्ट प्रोग्राम नेम का ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट प्रोग्राम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्री डिलीवरी एग्जामिनेशन 2000 आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपकी जो भी जनरल डिटेल्स यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसको एग्री करेंगे, एग्री कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर एग्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एड द प्रोग्राम, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ग्रीन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपको कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फोटो एंड साइन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर इसमें इंटर करना है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स छूटी हुई है यहाँ पर इसको भरना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं आपकी जो कैटेगरी, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डू यू बिलोंग एरिया, किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी में भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट आपको यहाँ पर एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करेंगे इंडियन, मैरिज स्टेटस जो भी है मैरिड है अनमैरिड है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे आप मैरिड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जैसे मैरिड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी वाइफ का नेम इंटर करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे अनमैरिड वाले ऑप्शन के लिए बंद रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर डिफेंस सर्विस से बिलोंग करते हैं तो यस या नो के बटन क्लिक करेंगे। मिनोरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस के बटन पर क्लिक करेंगे। कौन सी मिनोरिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नहीं है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई लीगल मिनोरिटी इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हैं, आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो लीगल मिनोरिटी जो 10+2 जो लेवल है वो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कौन सी से बिलोंग करते हैं आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज नहीं बिलोंग नहीं करते हैं लीगल मिनोरिटी इंस्टीट्यूट से तो आपको नो कर लेना है। फाइनली अधिकांश के नो ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वालिफाई एग्जामिनेशन पास आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बारे में आप पास हैं या फिर अपेयरिंग है, दोनों वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं पास ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पर आपको यहाँ पर प्रोम संस्कृत वृक्षक उपाध्याय से आपने पास किया है तो आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको बोर्ड का नाम देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं किया है तो मैं नो कर लेता हूँ। इसके बाद संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिया है, संस्कृत से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस के बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फॉर्म में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर बोला गया है संस्कृत ऑप्शनल इन सीनियर सेकेंडरी, यानी कि बारे में आपका संस्कृत सब्जेक्ट रहा है, यदि बारे में सब्जेक्ट रहे संस्कृत तो आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मेरे नहीं है तो मैं नो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको बोनिफाइड रेजिडेंट आपको आपका स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम आपको यहाँ पर अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट है
अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस की डिटेल्स आती हैं, एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है। तो मैं आपको फिलअप करके बता देता हूँ पहले। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस की डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, जैसे कि मैंने आपको फिलअप करके दिखाया है। जैसे कि आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग नंबर है, आपको इंटर कर लेना है। कुछ भी नहीं है तो आपको 00 यहाँ पर इंटर कर लेना है, ठीक है। लैंडमार्क आपका जो भी नियरेस्ट है, जो भी गाँव है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, शहर है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिसमें सिटी, टाउन, विलेज, आपके गाँव का नेम इंटर कर लेना है। आपकी पोस्ट ऑफिस यहाँ पर इंटर करेंगे। आपका स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है, आपके एरिया का पिन कोड, आपके गार्जियन का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आएंगे। इसके बाद आपने जो यहाँ पर एड्रेस फिलअप किया है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और कॉरपोरेट एड्रेस, दोनों एड्रेस आपको सेम है तो यहाँ पर सेम एज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, दोनों एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना है। चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचेंगे, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देते हैं सेव एंड प्रोसीड का, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखते हैं मैंडेटरी डिटेल्स आपने फिलअप छोड़ दी है रेड डॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो भी डिटेल्स यहाँ पर छूटी हैं उसको दोबारा यहाँ पर इंटर कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सी डिटेल्स यहाँ पर छूटी गई है, ठीक है। ठीक है, तो फिजिकल हैंडीकेप यहाँ पर छूट गई थी। सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं टिक मार्क का निशान आ चुका है, यानी कि ऐप का एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद फोटो और साइन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स फोटो का साइज आपको यहाँ पर 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और JPEG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। और साइन का भी आपको यहाँ पर 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन दिया है, यहाँ से क्लिक करके अपना फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फाइल्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपका फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स सेलेक्ट करेंगे तो फोटो का नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगा और उसका जो परी हुए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी आपको यहाँ से अपलोड करना है, जो उस फाइल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स आपको इसके बाद आपको यहाँ पर थंब इंप्रेशन भी लेफ्ट आपको यहाँ पर बाएं हाथ का मोटर का निशान आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके यहाँ पर सभी अपलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर से एंड कंटिन्यू के प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपकी डिटेल्स ये सक्सेसफुली कंप्लीट सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, जिसके आपको यहाँ पर आना है। सबसे पहले आपको ऊपर 10 की डिटेल्स डालेंगे और नीचे 12 की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। तो मेरा अजमेर यूनिवर्सिटी में यह सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद 10वीं का पासिंग ईयर्स है, जो भी आपका पासिंग ईयर्स है अपना पासिंग ईयर्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल का नेम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी स्कूल का नेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना परसेंटेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक टोटल कितने अंक आपको यहाँ पर मिले हैं वो डालेंगे, आपका पूर्णांक कितने का था यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से आपको यहाँ पर 12 की डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स उससे पहले आपको यहाँ पर देखें जिसका रिजल्ट रुका हुआ है तो आपको यहाँ पर टिक मार्क के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे रहने देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आपके जो भी डिटेल्स फिलअप की है आपको अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना है, ठीक है। एक बार चेक करना चाहते हैं आपको कैंसिल के बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर लेना है। आप चाहते हैं आपको लगता है कि सही है तो आप यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये ओपन हो जाता है, जिसमें फ्रेंड्स आपको कोर्स सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट बोथ यानी कि दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि जनरल और संस्कृत दोनों से करेंगे तो दोनों यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पर जनरल से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लेना, संस्कृत से करना चाहते हैं तो संस्कृत सेलेक्ट कर लेना। तो मैं जनरल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका जो भी नजदीक सेंटर है आपके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपके मेरे अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके अनुसार आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो सेंटर डिटेल्स है सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। इसके बाद आपके जो फॉर्म का प्रयोग है जो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, कोई भी गलती है तो दोबारा आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है, यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं बैक जाकर इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही है संपूर्ण जानकारी, तो इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के बोला जा रहा है, आपको यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पेमेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कितनी फीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। इसके बाद सेलेक्ट बैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको जो भी ICICI बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स किस का बैंक से आप यहाँ पर पैसे कटवाना चाहते हैं, यहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग, तो मैं आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ, तो डेबिट कार्ड में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर देते हैं प्रोसीड टू पे, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा, इसमें आपकी जो भी जनरल डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आपकी एप्लीकेशन फीस जो भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा है, इसमें आपको यहाँ पर टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पेयर नेम है, इसके बाद फ्रेंड्स यदि आपका डेबिट कार्ड है जो रुपया का है तो रुपया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, रुपया नहीं तो ऑर्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं रुपया सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद प्रोसीड नाउ के अपने पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर देते हैं, डेबिट कार्ड का जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर क्लिक आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम आपको इंटर करना है, बैंक अकाउंट में जो भी नेम है वो वैसा का वैसा नेम इंटर करेंगे। कार्ड का नेम आपको यहाँ पर इंटर कार्ड नंबर डालेंगे, इसमें एक्सपायर डेट, ईयर्स और CV नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू के अपने पर क्लिक कर देना है। तो मैं ये डिटेल्स इंटर करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, आपको पेज को यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। जो भी हो रहा है आपको यहाँ पर होने देना, पूरा फुल ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे, इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। चलो फ्रेंड्स OTP आ चुका है और मैंने डाल दिया है, इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट हो रहा है, आपको बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना है रिफ्रेश नहीं करना है, रिफ्रेश कर देंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी एक प्रोसेस होता है इसको होने देना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर देते हैं, कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पर होम पर यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे, ठीक है, PTT के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको अपने मोबाइल पर एक मैसेज भी मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, साइन इन करना होगा, ठीक है। आपको पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड बनाया था वो एंटर करके सबमिट करके लॉगिन करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हो सकता है कि आप डायरेक्ट लॉग आउट ना हो और आपको यहाँ पर ही रिडायरेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर इसका पेमेंट की स्टेटस भी चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा दे रहा है बैक टू माई एप्लीकेशन आपको इसमें क्लिक कर देना है या फिर आपको यहाँ पर डायरेक्ट होम पेज के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर होम पेज पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका होम पेज इस तरह का शो होगा, जिसमें आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से फॉर्म का व्यू के बटन है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आप यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा डैशबोर्ड में आएंगे और पेमेंट चेक करने के लिए मेक पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो पेमेंट का जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं, फिलहाल अभी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, वेट करने के बाद अपडेट हो जाएगी। तो अपडेट नहीं होती है तो उसकी भी मैं जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो आपकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस तरह से आपको चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दिया है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको BSTC की लेटेस्ट अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।